Hello friends, welcome to this lecture. Today I'm going to discuss dynamic force analysis on reciprocating parts. तो जो आईसी इंजन के रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं उन पर कितने टाइप के फोर्स एक्ट करते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आईसी इंजन का एक सेटअप जो है बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल। देख ये सिस्टम आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में ये है आपका सिलेंडर, ये है पिस्टन और ये है कनेक्टिंग रॉड और ये है क्रैंक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो क्रैंक है वो रोटेट करता है इस पॉइंट वन के अबाउट। देखिए ये जो लिंक है ये लिंक फिक्स है, तो इसको वन हमने कंसीडर कर लिया, इस क्रैंक को लिंक नंबर टू और इस कनेक्टिंग रॉड को लिंक नंबर थ्री और इस पिस्टन को लिंक नंबर फोर। तो आप ये जानते हैं कि जब यहां पर बर्निंग होती है सिलेंडर के अंदर तो बर्निंग के कारण जो प्रेशर होता है उस प्रेशर की वजह से पिस्टन पुश होता है और पिस्टन इस गाइड में स्लाइडिंग मोशन करता है। उसकी जो मोशन की एक्सिस है वो ये एक्सिस है और ड्यू टू दिस स्लाइडिंग मोशन ये जो कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर कनेक्ट है इससे कनेक्टिंग रॉड भी स्लाइडिंग मोशन करती है और उसका जो एक्सिस ऑफ मोशन है वो ये वाला है और कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है क्रैंक। अब ये क्रैंक इस पॉइंट के अबाउट रोटरी मोशन करता है। तो इस सिचुएशन में किसी एक सिचुएशन में हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है जिस समय जो कनेक्टिंग रॉड है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है फाई और जो क्रैंक है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा। नाउ देखिए अब इसमें देखते हैं कि यहां पर जो पिस्टन पर जो फोर्स लग रहा है वो देखते हैं डिफरेंट जो फोर्सेस हैं वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। यहां पर जो पिस्टन पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और उसको हम नाम दे दे रहे हैं एफ पी पिस्टन एफर्ट। तो इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। अब जो ये पिस्टन एफर्ट है एफ पी इस पिस्टन पे लग रहा है और इस पिस्टन से ट्रांसफर हो रहा है थ्रू कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड पर जो प्रेशर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ट्रांसफर हुआ है उसको हम दिखा रहे हैं एफ सी से। और ये देखिए जब ये इस सिचुएशन में होगा जब ये इधर से इस तरह से रोटेट कर रहा होगा तो ये जो एफ सी है वो इस डायरेक्शन में होगा और जैसे ही ये एक बार क्रैंक रोटेट कर गया 180 डिग्री इसके बाद जब क्रैंक आगे बढ़ेगा तो क्रैंक आगे जब बढ़ेगा तो इस कनेक्टिंग रॉड पर जो ये एफ सी लग रहा था अभी इस डायरेक्शन में ड्यूरिंग दिस रोटेशन ये एफ सी की डायरेक्शन जो होगी वो इधर होगी। तो जो एफ सी है वो उसकी डायरेक्शन हाफ रिवोल्यूशन के लिए इस साइड में होगी और नेक्स्ट हाफ के लिए इस डायरेक्शन में होगी। नाउ अगर हम इस एफ सी की जो एक्सिस है उसको आगे प्रोजेक्ट करें तो ये वाली जो एक्सिस है ये है एफ सी फोर्स ऑन कनेक्टिंग रॉड। नाउ अगर देखिए इस कनेक्टिंग रॉड पर ये जो फोर्स लग रहा है ये इसका दो कंपोनेंट होगा क्योंकि ये एंगल फाई है ये एंगल थीटा है। तो ये वाला जो एंगल होगा आपका वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस फाई। ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस फाई। अब जब 180 माइनस थीटा प्लस फाई ये वाला एंगल है तो अगर हम यहां से इस लाइन को आगे प्रोजेक्ट किए हुए हैं ये वाला टोटल एंगल होगा 180 डिग्री और ये है 180 माइनस थीटा प्लस फाई। तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई एंगल हो जाएगा। अब जो ये एफ सी है ये एफ सी को अगर हम दो कंपोनेंट में तोड़ दें तो एक कंपोनेंट वो होगा जो इस क्रैंक पर परपेंडिकुलर होगा, क्रैंक पर परपेंडिकुलर होगा तो वो कुछ इस तरह से आगे आएगा, ये होगा एफ टी टेंजेंट टू दिस सर्कमफेरेंस। तो एफ टी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं
आगे चलकर यही जो होता है थ्रस्ट फोर्स हम जिसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स ऑन द क्रैंक पिन, क्योंकि यहां पर कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक को कनेक्ट किया गया किसके थ्रू, क्रैंक पिन से, और सिलेंडर और इस कनेक्टिंग रॉड को आपस में कनेक्ट किया गया किस लिंक से, किस पिन से, उसको बोलते हैं गजियन पिन, आपको वैसे में पड़े होंगे। तो यहां से जब ये 90 डिग्री पे ब्रेक होगा ये, तो ये हो जाएगा एफ टी नहीं, आप इसको इस तरह से देखिए, अभी तो आप एफ टी क्या ले रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एफ सी कॉस सॉरी साइन हो जाएगा एफ सी साइन थीटा प्लस फाइव, और इस एफ सी का एक कंपोनेंट होगा जो रेडियल कंपोनेंट होगा, ये आएगा इस क्रैंक पर और वो हो जाएगा एफ सी कॉस थीटा प्लस फाइव। ये वाला जो होता है ये थ्रस्ट होता है, इसी को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स ऑन द बियरिंग्स। तो जब भी आईसी इंजन में जैसे ही पिस्टन रोटेट करता है तो सॉरी जैसे ही पिस्टन रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट करता है तो इतने सारे फोर्स जो है एक्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एफपी जो कि पिस्टन एफर्ट है, जिसको हम लोग पिस्टन फोर्स भी बोल सकते हैं। तो पिस्टन एफर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो पिस्टन एफर्ट तीन चार पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहला होगा गैस फोर्स, क्या कि ये जो पिस्टन फोर्स है वो यहां पर जो बर्निंग हो रही है गैसेस की उनके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है पिस्टन पे वो होगा। दूसरा क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स, यहां पर जब ये पिस्टन मूव करेगा तो कॉन्टैक्ट सरफेस है, अब जब भी कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रिक्शन का आना तय है, तो फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स पर भी डिपेंड करेगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल इंजन ना होकर ये वर्टिकल इंजन होता, ध्यान दीजिएगा कि तब भी आएगा उस समय ग्रेविटी फोर्स, तो वर्टिकल इंजन में आपको ग्रेविटी फोर्स कंसीडर करना है और हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटी फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रेविटी फोर्स क्या हो जाएगा एम इंटू जी, और ये कब होगा किस कंडीशन में होगा, जब ये वर्टिकल होगा आपका जो सिस्टम है सिलेंडर ये पिस्टन और अरेंजमेंट है आईसी इंजन वो वर्टिकल होगा, तब आपको ग्रेविटी फोर्स कंसीडर करना है। नेक्स्ट है इनर्सिया फोर्स, ये जो मोशन हो रहा है पिस्टन का यहां पे, इस पे इसका जो इनर्सिया फोर्स होगा वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा पिस्टन एफर्ट में कंट्रीब्यूशन करने के लिए, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। तो देखते हैं कि गैस फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहां पे हमने अरेंजमेंट बनाया हुआ है, इसमें क्या है, ये है आपका पिस्टन जैसे लिंक नंबर फोर, और ये है पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड से ये कनेक्टेड है कनेक्टिंग रॉड। नाउ पिस्टन के इस साइड जहां पर बर्निंग हो रही है फ्यूल की, उस साइड जो प्रेशर है वो हम ले रहे हैं P1, और इस साइड का जो एरिया है वो है A1। नाउ इसके अपोजिट साइड ये जो प्रेशर है यहां पे P2 और एरिया है A2। तो देखिए यहां पर अगर हम A2 की बात करें, इस साइड जो एरिया है इस A2 की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा कि ये जो A1 है, A1 में से अगर हम ये एरिया है जो कनेक्टिंग रॉड का एरिया है, सॉरी कनेक्टिंग नहीं, इस पिस्टन पर ये जो पिस्टन रॉड है इसका जो एरिया है उसको माइनस करेंगे तब आपको A2 मिलेगा। तो क्या होगा कि A1 माइनस, तो A2 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना होगा A2 इज इक्वल टू, तो वो वैल्यू आ जाएगी A1 जो कि पिस्टन का एरिया है माइनस स्मॉल ए क्या है एरिया ऑफ दिस पिस्टन रॉड, एरिया ऑफ पिस्टन रॉड। तो आपको जब ये एरिया मिल जाएगा तो यहां पर जो गैस के द्वारा प्रेशर फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा एफ गैस इज इक्वल टू हो जाएगा P1 A1 माइनस P2 A2। दिस इज द गैस फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द कंबस्टन ऑफ फ्यूल ऑन द पिस्टन
नाउ सेकेंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो आप उसको कंसिडर करेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे. तो फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, जैसा कि हमने बताया कि ग्रेविटी फोर्स तभी नेचर में आएगा जब इंजन आपका वर्टिकल होगा. तो वर्टिकल फोर्स के लिए आप ग्रेविटी फोर्स भी यूज करेंगे. नाउ इनर्शिया फोर्स की अगर बात करें तो इनर्शिया फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ आई से हम लोग डिनोट करते हैं, यहां पे लिखा हुआ भी है, ये होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई एम. तो ये जो वैल्यू होती है इनर्शिया फोर्स की. नाउ अगर पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इनर्शिया फोर्स मोशन के अपोजिट होगा. तो नेट जो पिस्टन एफर्ट आता है, नेट जो पिस्टन एफर्ट आता है वो कितना आएगा, एफ पी इज इक्वल टू एफ जी दैट इज एफ गैस माइनस एफ इनर्शिया. अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी अपोजिट टू द मोशन होता है, तो एफ फ्रिक्शनल. और अगर हम ग्रेविटी फोर्स भी कंसीडर कर रहे हैं तो ग्रेविटी फोर्स प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि जब ये पिस्टन एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशन स्ट्रोक हो रहा होगा, उस समय जो ग्रेविटी फोर्स है वो पिस्टन एफर्ट को बढ़ाएगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है. और जब कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा होगा तब आपको ग्रेविटी फोर्स माइनस में लेना होगा. तो यहां पर जो ग्रेविटी फोर्स हम लोग लिखते हैं इसीलिए यहां पे लिखते हैं प्लस और माइनस. तो अगर इस केस में हम इस फ्रिक्शन फोर्स को भी नेग्लेक्ट कर दें तो जो फ्रिक्शन पिस्टन एफर्ट जो आएगा एफ पी इज इक्वल टू हो जाता है एफ गैस माइनस एफ इनर्सिया. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पिस्टन एफर्ट. नाउ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि न्यूमेरिकल इसी बेसिस पे ही सॉल्व किए जाएंगे. तो पिस्टन एफर्ट का फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर चुके हैं. अब देखते हैं कनेक्टिंग रॉड पर जो ये कनेक्टिंग रॉड पर जो फोर्स लग रहा है एफ सी उसको फाइंड करना. और नेक्स्ट हमारा मोटिव ये रहेगा कि ये जो टॉर्क मिल रहा है जिसको हम लोग क्रैंक एफर्ट बोल रहे हैं उसको किस तरह से फाइंड करते हैं. तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड. अब जब कनेक्टिंग रॉड की बात कर रहे हैं हम लोग तो इस जो फोर है ये फोर जो स्लाइडर है इस स्लाइडर का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसमें देखिए यहां पर लग रहा है आपका पिस्टन एफर्ट दैट इज एफ पी जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं नाउ. और दूसरा क्या लग रहा है एफ सी लग रहा है कनेक्टिंग रॉड के अलोंग जो फोर्स लग रहा है एफ सी और ये है एंगल फाई. एक और भी यहां पर वैल्यू लग रहा है फोर्स आएगा ये जो कि रिएक्शन फोर्स होगा. ये जो सिलेंडर है वो इस पिस्टन पर लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि होगा रिएक्शन फोर्स और इसको हम लोग बोल रहे हैं एफ एन नॉर्मल फोर्स. ठीक. तो यहां पर देखिए एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब होगी तो इस एफ सी के दो कंपोनेंट होंगे. एक होगा एफ सी कॉस फाई और दूसरा होगा एफ सी साइन फाई. तो नाउ दिस इज जब आपको फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड दैट इज एफ सी फाइंड करना है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप इक्वल कर सकते हैं. तो यहां पर एफ पी इज इक्वल टू एफ सी कॉस फाई. तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे एफ सी की दैट इज एफ पी पिस्टन एफर्ट डिवाइडेड बाई कॉस फाई. तो अगर आप चाहें तो कॉस फाई की वैल्यू आप रख सकते हैं तो वो होती है कॉस फाई इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. ये वैल्यू होती है कॉस फाई की. इस वैल्यू ये डेरिवेशन कहां से आया है वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. तो यहां पर जब हम इस वैल्यू को रख सकते हैं तो वहां से आपको फाइंड हो जाएगा एफ सी. नाउ अगर आप यहां पर एफ पी बाई कॉस फाई नाउ दिस इज द फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड. अब अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें
दैट इज ये जो नॉर्मल फोर्स होगा एफ एम, ये होगा साइड थ्रस्ट, जिसको बोलते हैं साइड थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर है। ये जो सिलेंडर है इस पे जो साइड थ्रस्ट लगता है वो किसकी वजह से लगेगा, दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन फोर्स की वजह से लगेगा। तो अगर हम इस वर्टिकल फोर्स को इक्वल करेंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा एफ एन इज इक्वल टू एफ सी साइन फाइव। नाउ जब एफ सी साइन फाइव हो जाएगा यहां से, तो ये जो एन है एफ सी की वैल्यू अगर आप रख दें एफ पी बाई कॉस फाइव, तो एफ एन इज इक्वल टू एफ पी दैट इज पिस्टन एफर्ट डिवाइडेड बाई कॉस फाइव इंटू साइन फाइव, और साइन फाइव बाई कॉस फाइव क्या हो जाएगा टेन फाइव, एफ पी इंटू टेन फाइव। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइड थ्रस्ट विच इज अप्लाइड ऑन द सिलेंडर बाय द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द कनेक्टिंग रॉड। सो अब हमने जो फोर्स कनेक्टिंग रॉड के अलोंग फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो एफ टी है टेंजेंशियल कंपोनेंट और रेडियल कंपोनेंट, इसका क्या तात्पर्य है। तो यहां पर देखिए कि ये जो एफ सी है, इस एफ सी का दो कंपोनेंट होगा, जो कि एक कंपोनेंट आएगा इस क्रैंक के परपेंडिकुलर और दूसरा इस क्रैंक के अलोंग। तो बात करते हैं कि जब जो एफ सी है एफ सी का ये वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट जो होगा वो होता है क्रैंक पिन एफर्ट, क्योंकि ये जो एक्ट करता है इस क्रैंक पिन पर एक्ट करता है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी क्रैंक पिन एफर्ट जिसको आप एफ टी से डिनोट कर रहे हैं, और वो वैल्यू हो जाएगी एफ सी साइन थीटा प्लस फाइव। और एफ सी की वैल्यू अगर आप रख देंगे, प्रीवियस में हमने एफ सी की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, तो वो हो जाएगी एफ पी एफ टी इज इक्वल टू एफ पी डिवाइडेड बाई कॉस फाइव इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस साइन फाइव। तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट हुआ वो क्या हो गया क्रैंक पिन एफर्ट। नाउ वन मोर कंपोनेंट ऑफ दिस एफ सी इज दैट वन दैट इज रेडियल फोर्स। तो रेडियल फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट ऑन बियरिंग। तो थ्रस्ट ऑन बियरिंग का जो फोर्स का जो वो होगा इसको हम लोग एफ बी से डिनोट कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ सी कॉस थीटा प्लस फाइव, एफ सी कॉस थीटा प्लस फाइव। नाउ यहां पर अगर आप एफ सी की वैल्यू रख देंगे तो एफ पी डिवाइडेड बाई कॉस फाइव ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस फाइव। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट ऑन द बियरिंग। नाउ द लास्ट वन इज क्रैंक एफर्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्रैंक एफर्ट, जिसको आप लोग कभी कभी बोलते हैं टर्निंग मोमेंट, या कभी कभी बोलते हैं टॉर्क ऑन द क्रैंक शाफ्ट। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रैंक एफर्ट है इसको बोलते हैं आप लोग क्रैंक एफर्ट, और इसी को बोलते हैं टर्निंग मोमेंट, या क्या बोलते हैं इसी को थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी जो होता है क्रैंक एफर्ट या टर्निंग मोमेंट, और थ्रस्ट ऑन द क्रैंक शाफ्ट वो होता है पिस्टन फोर्स, दैट इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रैंक सॉरी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एफर्ट, जिसको हम लोग क्रैंक पिन एफर्ट बोल रहे थे, इनटू रेडियस ऑफ दिस क्रैंक। देखिए होगा क्या, जो क्रैंक एफर्ट है ये टर्निंग मोमेंट है, तो इस
ये जो टर्निंग मोमेंट है ये किसकी वजह से आएगा, इस एफ टी की वजह से आएगा, क्योंकि रेडियल तो इसके सेंटर ऑफ मोशन से ही पास कर रहा है, तो एफ टी इंटू आर। नाउ ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ टी इंटू आर। एफ टी की वैल्यू अगर हम रख दें यहां पे तो क्या हो जाएगा कि टी इज इक्वल टू, एफ टी की वैल्यू क्या है, एफ सी साइन, एफ सी साइन थीटा प्लस फाइव, और एफ सी की वैल्यू अगर आप रख दें यहां पे तो हो जाएगा एफ पी डिवाइडेड बाई कॉस फाइव ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस फाइव। अब इसके बाद थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को आप लगाइए यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला साइन ए प्लस बी का, तो आपको फार्मूला मिल जाएगा t इज इक्वल टू एफ पी डिवाइडेड बाई सॉरी एफ पी साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव और डिवाइडेड बाई दिस वन कॉस फाइव। नाउ अगर आप देखें यहां से इसको हम कॉस फाइव को अगर सबके नीचे ले जाए तो एफ पी और यहां पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव से कॉस फाइव कैंसिल हो जाएगा प्लस कॉस थीटा साइन फाइव डिवाइडेड बाई कॉस फाइव। नाउ यहां पे देखिए, यहां से हम लोग देखते हैं तो साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, अगर इस जो कनेक्टिंग रॉड है इसकी लेंथ टोटल एल है, इस कनेक्टिंग रॉड की लेंथ एल है और इसका जो रेडियस है क्रैंक का उस रेडियस को आर ले लिया जाए, तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस एक्सिस पे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी एल कॉस फाइव। तो यहां से हम एक रिलेशन प्रूव करते हैं, देखिए तो ये रिलेशन जो है हमको मिलेगा एल साइन फाइव इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो जब एल साइन फाइव इज इक्वल टू आर साइन थीटा है तो यहां से साइन फाइव की वैल्यू हम निकाल लेंगे आर बाई एल इंटू साइन थीटा, और आर बाई एल जो होता है रेशियो ऑफ क्रैंक रेडियस और कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं वो होता है एल बाई आर। तो आर बाई एल यहां पर है तो ये वन बाई एल हो जाएगा साइन फाइव इज इक्वल टू साइन थीटा बाई एन। साइन फाइव की वैल्यू थीटा के टर्म में हमने फाइंड कर ली है तो नेक्स्ट हमको चाहिए कॉस फाइव की वैल्यू, तो कॉस फाइव इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव होता है और साइन फाइव की वैल्यू यहां से साइन थीटा बाई एन हम यहां पे रख देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। और यहां से अगर एन स्क्वायर को हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा वन बाई एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? अब इस कॉस फाइव और साइन फाइव की वैल्यू उठा के यहां पे पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी टी इज इक्वल टू एफ पी यहां पर इंटू आर भी होगा क्योंकि जो हमने जहां से शुरू किया था इक्वेशन लेकर इंटू आर भी था तो आर भी होगा यहां पे एफ पी आर को इधर ले आते हैं वो उधर छूट जा रहा था आर को इधर ला दिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव क्या साइन थीटा बाई एन डिवाइडेड बाई कॉस फाइव की वैल्यू है वन बाई एन रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन बाई एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ एन एंड एन कैंसिल आउट हो गया, इसको ऊपर वाला हम रफ कर देते हैं, हाँ ऊपर वाला रफ करते हैं तो ये इक्वेशन कितने मिलेगी आपको टी इज इक्वल टू सॉरी फॉर द इंटरप्शन नाउ टी इज इक्वल टू एफ पी इंटू आर, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहां से अगर हम टू बाई टू से कर ले मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई
टू, तो यहां से आप ले लेंगे साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ दिस इज द क्रैंक एफर्ट फॉर द सिलेंडर फॉर दिस आइस इंजन पार्ट. नाउ ये अगेन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर. नाउ आप लोग इसको याद जरूर रखिए क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल. नाउ अगर हम बात करें यहां पर थोड़ा सा एनालिसिस करें इस चीज की, तो एन स्क्वायर जो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो मच लेस देन होगी एन स्क्वायर के. तो अगर हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये जो क्रैंक एफर्ट है टी की वैल्यू वो आपको मिल जाएगी एफ पी इंटू आर इंटू साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू एन. दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रैंक एफर्ट. तो थोड़ा सा बात करते हैं कि फ्लाई व्हील की जरूरत क्यों पड़ती है. यहां तो क्लियर हो गया सभी को, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि यहां पर देखते हैं कि फ्लाई व्हील की जरूरत क्यों पड़ती है इंजन में. देखिए ये जो है टर्निंग मोमेंट, ये जो है क्रैंक एफर्ट या बेसिकली, तो इसी टॉर्क की वजह से ये रोटेट हो रहा है. और इसको अगर देखें ये जो टॉर्क है, ये जो टर्निंग मोमेंट है, जो क्रैंक एफर्ट है, ये थीटा का फंक्शन है. किसका फंक्शन है? थीटा का. तो जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तो ये टॉर्क क्या होगा? जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो, ये पूरा प्रोडक्ट जीरो. और जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू होगा तो टर्निंग मोमेंट कितना हो जाएगा? एफ पी इंटू आर. नाउ अगेन अगर बात करें थीटा इज इक्वल टू थ्री पाई बाई टू, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी आप सीधा बात करिए पाई की, थीटा इज इक्वल टू पाई, तो टर्निंग मोमेंट अगेन जीरो. नाउ आप ये देख रहे हैं कि हाफ रिवोल्यूशन में जीरो से पाई, जीरो से पाई तक में ये जो टर्निंग मोमेंट था, ये जो टॉर्क मिल रहा था आपको, वो एक बार जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ और फिर जीरो हो गया. सॉरी तो जब ये नेक्स्ट हाफ रिवोल्यूशन में भी ये तीन केसेस आपको मिलेंगे, तो आप देखिए जो टॉर्क टर्निंग मोमेंट डायग्राम और एंगल ऑफ रिवोल्यूशन, अगर इस एंगल और इस टर्निंग फोर्स जो मिल रहा है आपको, टॉर्क मिल रहा है, इस टॉर्क के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या मिलेगा आप लोगों को? ये कुछ इस तरह से मिलता है. दैट इज देखिए यहां पर जिसको हम लोग बोल देते हैं टर्निंग मोमेंट, तो टर्निंग मोमेंट और एंगल के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यह है टर्निंग मोमेंट और यह है एंगल थीटा, तो जो आपको ग्राफ मिलता है इसके बीच में वो कुछ ऐसा मिलता है. और यह एंगल है जीरो नाइन्टी, यह है पाई, यह है, यह है 360 यानी 2 पाई, ये 3 पाई बाई 2 है. तो इसमें अगर हम देखें यहां पर एक मीन लाइन को ड्रॉ कर दें, तो इस मीन लाइन की वजह से देखिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक फुल रिवोल्यूशन में, मतलब 2 पाई के रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन में जो टॉर्क आपको मिल रहा था वो टॉर्क एक बार मैक्सिमम हुआ है, जीरो हुआ है, फिर मैक्सिमम हुआ है, फिर जीरो हुआ है. इसका मतलब यह है कि इतना हाई फ्लक्चुएशन है एनर्जी का, तो आपको एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो कि तब एनर्जी सप्लाई करे जब ये जीरो हो, और तब एनर्जी स्टोर करे जब मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हो. तो इसी वजह से हम लोगों को यूज करना पड़ता है फ्लाई व्हील, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट डायनेमिक फोर्स एनालिसिस ऑफ स्लाइडर एंड क्रैंक मैकेनिज्म. थैंक यू.